लंबे समय से कोरोना वैक्सीन का इंतजार देश कर रहा था और आज वो दिन जब फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंचनी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं मेरे सामने कि इस डब्बे में भरकर कोरोना वैक्सीन यहाँ फरीदाबाद में पहुंची है और ये जो सेंटर बनाया गया है इसका उद्घाटन पूरी तरह से किया गया है। DC पहुँचे हैं यहाँ और CMO पहुँचे हुए हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कोरोना वैक्सीन को लाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और पूरी तरह से लंबे समय से इंतज़ार था इस कोरोना वैक्सीन का और कोशिश पूरी तरह से ये हो रही थी कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन आएगी उसके बाद ये लोगों को लग पाएगी और इसके लिए लगातार देश के लोग इंतज़ार कर रहे थे। और अब फरीदाबाद में ये पूरी की पूरी कोरोना वैक्सीन जो है ये पहुँच चुकी है और हमारे साथ इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए, पूरे मामले में बात करने के लिए CMO समेत DC यहाँ मौजूद है और इनसे जानने की एक बार कोशिश करते हैं। सर, कोरोना वैक्सीन का पूरे देश को इंतजार था, आज वैक्सीन पहुंच गई, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए, खुशखबरी है और विशेष तौर पे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं उनके लिए डोजेज आई हैं तो कम से कम वो सिक्योर होंगे तो ज़्यादा बेफिक्र होकर लोगों की सेवा कर पाएंगे, तो अच्छी खबर है। क्या फरीदाबाद के लोग, चूँकि फरीदाबाद में आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और कहीं ना कहीं लोगों को डर होता था कि कोरोना हो गया तो क्या होगा, आंकड़े तो अब कम हो गए हैं फरीदाबाद में, लेकिन अब फरीदाबाद के लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि जिन लोगों को हो चुका है दोबारा होगा या नहीं होगा, इस तरह का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो रिस्क तो है ये निश्चित तौर पर, इसलिए ये दोबारा से नहीं फैले इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा इलाज जो था वो यही था कि वैक्सीनेशन हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बार बार कहा था कि जब तक टीका नहीं तब तक अपने आप को बचाव करके रखें, तो ये अल्टीमेटली इलाज इसका यही है और जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा कम से कम एक लिमिटेड पॉपुलेशन का, उसके बाद ही शायद हम अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रशासन तैयार है और ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोरोना वैक्सीन है, इसको आपको पहली झलक आपको दिखाते हैं एक बार कि किस तरह से इनमें वैक्सीन रखी हुई है। ये पूरी तरह से वैक्सीन का डब्बा है जिसमें वैक्सीन रखी हुई है और इसमें ये वैक्सीन है और ये पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये वैक्सीन का पूरा जो प्रोसेस है ये यहाँ शुरू होने वाला है और पूरी तरह से वैक्सीन को रखने का जो सिलसिला है ये पूरी तरह से पूरा होगा और इंतज़ार पूरी तरह से इस बात का कि अब जब वैक्सीन पहुँच गई है तो पहले चरण में जो वैक्सीन लगनी है वो पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगनी है, पैरामेडिकल स्टाफ को लगनी है और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी है। CMO साहब, ये बताएं कि ये वैक्सीन जो लगनी है कब से लगनी शुरू होंगी, किस तरह का प्रोसेस रहेगा? देखिए, वैक्सीन का जो इंतज़ार था वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा हो गया है अभी और वैक्सीन पहुंच चुकी है। शुरुआती चरण में हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल, वो करीबन 25 से 26 हज़ार के आसपास, 25 हज़ार हैं, वो वैक्सीन हमें मिल चुकी है और 16 तारीख से इसको हम शुरू करेंगे। फरीदाबाद पहुँच चुकी है वैक्सीन, तैयारी पूरी हो चुकी है, स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। इंतजाम देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से वैक्सीन पहुंची है और वैक्सीन को कहां रखे जाना है, किस तरीके की प्लानिंग होनी है, ये पूरी तरह से तय हो चुका है और ये वैक्सीन को बाकायदा रखा जाएगा, टेम्परेचर इसमें पूरी तरह से मेंटेन होना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वैक्सीन जरूर आ गई है लेकिन आप सावधानी मत छोड़िएगा क्योंकि अभी जो वैक्सीन लगनी है ये केवल हेल्थ वर्कर्स को लगनी है, इसके बाद कई चरणों के बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सावधानी रखिए, जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है, केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है, उस केंद्र सरकार की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि मास्क का प्रयोग करना है, दूरी बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और ये आप करेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन फरीदाबाद के लिए बड़ी खबर ये, खुशखबरी ये कि फरीदाबाद में वैक्सीन आज पहुँच चुकी है।